जो 24 घंटे का जो टाइमिंग दिया सर, मुझे सर शाम को आपके खिलाफ इससे पहले FIR दर्ज कर दी है सर, मुझे आपके ये सेंटर खोलने के लिए FIR दर्ज करवाई थी, आपको पता है ऐसे सर, उसके बावजूद नहीं किया, 10 साल नहीं कर पाए, अब क्या सर, मेरे रिक्वेस्ट में आपको ये की चीज है, 24 घंटे मेरे को कोई 24 घंटे का मेरे को जो टाइमिंग दिया गया मुझे सर, परसों नहीं दिया, मुझे कल दिया सर, 24 घंटे मेरे को होने को सवाल लेकिन एक चीज मेरे बताओ, 6 बजे का जो टाइम पीरियड सर जी, कैसे हो जाएगा सर, मेरे पास ये पड़ा, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, लेकिन सर शाम को 6 बजे का टाइमिंग होगी, नहीं नहीं मेरे को 6 बजे का, आप 24 घंटे का टाइमिंग दो ना मेरे को, इसमें जो चीज है 24 घंटे तो सर आपको पहले भी दे रखे हैं, आपको पता है कि फाइल भी वहाँ से ओपनी से गई है, आपको ये भी पता है, FIR दर्ज हुई है आपकी, बोलो आपको पता है FIR कॉपी कहाँ है, सर मेरे को 24 घंटे का टाइम दिया तो सर मेरे को किसी बात क्यों कर रहे हो, 24 पालिका बाजार है जो शहर का सबसे प्रतिष्ठित बाजार है, क्योंकि सबसे पुराना बाजार भी माना जाए, क्योंकि सबसे बड़ा भी बाजार है, इससे बड़ा बाजार नहीं है शहर में, और इसके अलावा ये नगर परिषद द्वारा निर्मित है, ये विभिन्न दुकानें जो अलॉट की गई वो नीलामी के जरिए अलॉट की गई, जिसमें नीलामी में स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी प्रकार का रदो बदल दुकान में फेरबदल नहीं किया जा सकता, हालांकि इसमें जो स्ट्रक्चर है जो मैप से बनाई गई है, परंतु कई लोगों ने क्या किया कि उन दुकानों में 20 की दीवारें हटा दी, साइडों की दीवारें हटा दी, जिससे स्ट्रक्चर में जो है कमजोरी आ चुकी है, और इससे हो सकता है बहुत बड़ी दुर्घटना कारित हो, जनधन की हानि हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको सीज किया ताकि भविष्य में दुकानदार और भी इसको नहीं करे, और इसके अलावा जो जिन्होंने मान लो कर भी रखा है, अभी संज्ञान में आया है, किसी ने बताया है कि 2-4 दुकानें और भी हैं, तो वो अगर अगले 2 दिन में बना देते हैं तो ठीक है, अपनी दुकानें वापस नहीं बनाते तो उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करें। सर आज क्यों अचानक की गई थी, तो सर लंबे टाइम से चल रहा था। अचानक इसकी क्या थी कि एक शिकायत थी, वो शिकायत के बाद में हम शिकायत का सत्यापन करवाया, जाँच करवाई, उसके बाद में पता चला कि हकीकत में इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, और भूमि निष्पादन एक्ट और नगर पालिका एक्ट के नियमों के विभिन्न विधि के तहत इन्होंने उल्लंघन किया, उसके तहत ये कार्रवाई की गई। अच्छा आरो साहब, जो दुकान आवंटित जिस व्यक्ति को की गई है, क्या वो किसी दूसरे को सबलेट कर सकता है, उसको बेच सकता है अगर नीलामी के जरिए खरीद रखी है जी, किराए पर नहीं दे सकता, किराए पर नहीं दे सकता, ऐसा अगर आपको संज्ञान में आता है किराए पर भी चल रही है, किराए पर चल रही है तो उस पर कार्रवाई करें, क्या इसमें ये प्रावधान भी है कि उनका नीलाम 99 वर्ष नीलामी पे दी गई दुकान पे उसका स्वामित्व हो जाता है, वो किराए पे भी दे सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उसके लिए किराएदारी या फिर मान लो बेचता है तो उसमें नामांतरण हमारे नगर पालिका के अंदर करवाना पड़ता है और सूचित करना पड़ता है। शिकायत एक की मिली इसलिए एक की कार्रवाई, बाकी नहीं, एक नहीं दो की कार्रवाई, एक ही शिकायत मिली थी, एक का स्वतः संज्ञान लिया गया है, बाकी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, बिल्कुल इसमें बिल्कुल नोटिस नहीं, आज में JN से रिपोर्ट लूँगा, अगले 2-3 दिन में JN मैप से मिलान करके रिपोर्ट कर देंगे, अगर नियमों के विपरीत जो भी कार्य किया है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। किस भी नोटिस दे रखे हैं क्या किसी को, अभी नहीं दे रखे, परंतु अब JN से रिपोर्ट लेके हम अगली कार्रवाई करेंगे नेक्स्ट।